ऐसी दो दिलों में आई प्यार वाली बातें तो है गिलों में आई साथ भी नहीं जो हाथ भी ना छोड़े खुद दिखा के सारे वो ख्वाब तूने तोड़े आँखियाँ ने रहा हेलो असद हेलो माय डियर कैसी हो मैं बिल्कुल ठीक आप कैसे तो अच्छी बात है लेकिन मैं तो सोचा था कि मेरी बीवी मेरी याद में उदास हो रही होगी गमजदा होगी लेकिन यहाँ तो बहुत चिल सी ना भाई अच्छी बीवियाँ शौहरों को रोकर परेशान नहीं करती उनकी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनती उनकी हिम्मत बंधाती है उनको हौसला देती है जबरदस्त तुम्हारी बात सुनकर तो मेरा खून ही बढ़ गया जैसे ये तो अंदाजा नहीं था कि मेरी बीवी इतनी समझदार होगी क्या मतलब मतलब ये कि आई लव यू माय डियर आई लव यू टू असद मुझे पता है तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकते मुझे जल्द से जल्द अपने पास बुला लो ना असद सही कह रही हो तुम्हारे बगैर तो वाकई दिल ही नहीं लगता पता है इतना बोर होता हूँ मैं यहाँ पे यार तुम्हारे बगैर एक एक दिन बहुत बुरा गुजरता है आई स्वेयर पता है जब तुम यहाँ पे आओगी ना इतना मजा करेंगे हम इतना मजा करेंगे यहाँ पे देखने को इतनी सारी जगह है कल तो यहाँ पे बारिश भी हुई है मैंने इतना मिस किया यार हाय बहुत याद आती है I know. शुक्र करो मामा को नहीं पता चला कि गाड़ी तुम ड्राइव कर रहे थे वरना मेरी शामत आ जाती थैंक्स तुमने नहीं बताया सिर्फ बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था शुक्र है हम दोनों बच गए वरना अभी ऊपर वो जन्नत में बैठे होते जन्नत में जाने वाली हरकतें हैं हमारी वैसे ऑन अ सीरियस नोट काशिफ यू नीड टू कट डाउन तुम्हारी डोज बहुत बढ़ गई है तो पता है गाड़ी देख के मामा इतनी परेशान हो गई थी कि मैं जिंदा कैसे बच गई फौरन बकरा मंगवाया मेरा सदका दिया अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो तुम्हारी माम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी है ना मामा को तो मैं फिर भी संभाल लूंगी ज्यादा टेंशन मुझे भाई की है Thank you so much, Mama. अरे बेटा, thank you किस बात का? Many happy returns of the day. Thank you. मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि आज मेरी बर्थडे भी है. Really? अच्छा, मैं तो सोची थी कि ज़ारा ने सुबह-सुबह फ़ोन करके तुम्हें विश कर दिया होगा आज. नहीं, मेरी से बात हुई थी सुबह, लेकिन भूल गई शायद. खैर, किसी और को याद रहे ना रहे, तुम्हारी मामा कैसे भूल सकती है कि आज के दिन अल्लाह ताला ने तुम्हारी सूरत में इतना अच्छा तोहफा दिया मुझे थैंक यू मामा वैसे है क्या इन बॉक्सेस में गिफ्ट खोल के देखो ना और फिर बताना कि अच्छा लगता है कि नहीं ओके आई विल कॉल यू लेटर खुदा हाफिज ठीक है थैंक यू बाय हैप्पी बर्थडे दिस इज फॉर यू थैंक यू So, ये सब करने का आपको मामा ने कहा एक हफ्ते से वो मुझे बार बार रिमाइंड करवा रही हैं कि कहीं मैं उनके बेटे की बर्थडे भूल ना जाऊं अच्छा या
I really envy the relationship you have with her. I mean, वैसे तो माँ बेटे का ऐसा ही होता है, but she really cares for you. इतना दूर से भी बैठ के छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचती रहती है. Sweet. Take care, Kariyo. She's the best. और वाकई जो मैं हूँ इस वक्त माँ की वजह से ही. I bet so. Well, आपका gift, केक, सब कुछ तो हो गया. एक चीज अभी भी है जो ड्यू है, और वो है डिनर जो मैं आपको दे रही हूँ आज. और ऐसा करने को भी आपको मामा ने कहा? बिल्कुल नहीं, कुछ कुछ चीजें मैं खुद भी कर लेती हूँ यार. ये मेरी ट्रीट है और आप इनकार नहीं कर सकते. Well, thank you, and I accept. Okay. चलें थोड़ी सी हम काम की बात भी कर लेते हैं. बिल्कुल करते हैं. एक मेल आपको मैंने फॉरवर्ड की, वो आपने देख ली? देख लिया मैंने, बट आई नीड एट लीस्ट 30-40 मिनट्स टू गेट बैक टू यू. फाइनल डॉक्यूमेंट आई थिंक एक घंटे में मैं आपको. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dearest. वैसे मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें याद ही नहीं होगा. वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ जिस दिन आप इस दुनिया में आए सिर्फ मेरे लिए. इतना प्यार मैं कैसे बर्दाश्त करूं? असल थैंक्स यार, लवली सरप्राइज. पूरा केक खिला दूंगी मैं आपको. नहीं, पहले मैं तो खिलाऊं. मैंने खाया है. मजे का है. मुझसे दूर होने के बाद क्या तुम मुझे भूलती जा रही हो? मुझे बर्थडे विश ही नहीं किया. ये लो 5,000 रुपए. तुम्हारे घर में तो 5,000 रुपए से 15 दिन का राशन आता होगा ना? लोग अक्सर नर्म लहजों से कितनी सख्त बात कर जाते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश भूलने में एक उम्र लग जाती है. तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी बर्थडे पे फुल अरेंजमेंट किया होगा, पार्टी वाड़ी, गिफ्ट शिफ्ट्स, नहीं? ज़ारा वैसे ही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट. ओह, सी स्वीट. ऑनेस्टली मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आजकल की दुनिया में भी कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है. प्यार किया नहीं जाता, हो जाता. दैट्स रियली स्वीट. वेल What would I know? क्यों? मुझे लगता है शायद तुम्हें वाकई कभी प्यार नहीं हुआ किसी से. You got me. Never. As I said, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है. शायद हो जाए तुम्हें. आज तक तो हुआ नहीं. आगे देखते हैं. शायद I'll have to give it another chance. ये जगह दे हैव द बेस्ट फूड. हेलो असद, तुम सोए नहीं अभी तक? वहां तो आधी रात हो रही होगी. हाँ, बस तुम्हें एक बात याद दिलाना थी. कैसी बात? शायद तुम कुछ भूल रही हो. क्या भूल गई? हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू. ओह माय गॉड असद, ये मैं कैसे कर सकती हूँ?
I'm so sorry. याद ही नहीं रहा. Happy birthday. तुम नाराज मत होना प्लीज. तुम्हारी बर्थडे मैं भूल गई. वो तुम्हें सॉरी कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आइंदा ऐसे मत कहना. प्यार करता हूँ तुमसे, इज्जत करता हूँ तुम्हारी. हाँ, मैं नहीं चाहता तुम मेरे सामने शर्मिंदा हो. बोला मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ, हम दोनों एक ही तो हैं. ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे तो ये याद रखना चाहिए था ना. पता नहीं लगता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक दूसरे से दूर हैं. हम दूर हैं तो क्या हुआ, हम दोनों के दिल तो एक साथ ही धड़कते हैं ना. तो तुम भूल गई तो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें याद दिला दिया. अब अगर मैं कोई बात भूलूंगा तो तुम मुझसे नाराज होगी, लड़ाई करोगी मुझसे. नहीं ऐसा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी. तो बस, तो मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ. ये देखो, हमारा रिश्ता इतना कोई बनावटी, इतना कमजोर नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे ना हमें दूसरे से नाराज हो जाए. हमारा रिश्ता दिल का है, रूह का है, एहसास का है. मेरा हर किस मतलब तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था. मर्द का काम औरत को सिर्फ समझना नहीं बल्कि उसे महसूस करना, उसकी इज्जत करना, उससे मोहब्बत करना भी. मैं भी तुम्हारे लिए ऐसे ही सोचता हूँ ज़रा. हर लम्हा मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है. ऐसे में वक्त कैसे गुजरता है मुझे पता ही नहीं चलता. दिन, महीनों, सालों का हिसाब तो मुझे भी नहीं पता है सर. बस इतना पता है कि तुम्हारा साथ चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साथ हमेशा. और ये साथ हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए रहेगा. दिल टूटा